भगवान धन्वंतरि आरोग्यता के देवता हैं और आरोग्य का मूल है सम्यक तरीके से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति। आयुर्वेद मूलतः आरोग्यता की धारणा को व्यवहारिक रूप से जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आयुर्वेद मरीजों की चिकित्सा करते समय कोई भी भेद नहीं करता है। यह बातें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में रस शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कही। वह शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आयुर्वेद कॉलेज में 7वें आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरि जयंती साप्ताहिक समारोह के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर आयुर्वेद सबके लिए है। व्याधि, वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना आयुर्वेद का लक्ष्य है। कोरोना जैसे वैश्विक संकट काल में पूरे विश्व को आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकार करना पड़ा। यह आयुर्वेद की ताकत है कि इसने अपने मूल देश समेत समूची दुनिया को कोरोना त्रासदी से उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पूरी तरह हानि रहित चिकित्सा पद्धति है और एक बार फिर अपने प्राचीन गौरव की तरफ तेजी से उन्मुख है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत की तमाम तरक्की के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा आज के दौर की बड़ी चुनौती है। इसका पूर्ण समाधान आयुर्वेद और योग को अपनी जीवन शैली में अपनाकर किया जा सकता है। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि धन्वंतरि जयंती मनाने का यह अभूतपूर्व अवसर है, जब विश्वविद्यालय स्थित आयुर्वेद फार्मेसी का शुभारंभ 75 किलोग्राम चूर्णप्राश की निर्मित से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि यह आयुर्वेद फार्मेसी विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती औषधियों का निर्माण कर एक आदर्श स्थापित करेगी। इस फार्मेसी में प्रशिक्षित विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित आयुर्वेद औषधि कंपनियों में रोजगार प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद एवं धन्वंतरि पर्व के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि आयुर्वेद प्राचीनतम एवं शाश्वत विज्ञान है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। हमारा मानना है कि सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैं। डॉक्टर वाजपेयी ने छात्रों को आयुर्वेद का सार समाज के सामने लाने तथा अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वागत संबोधन गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर DS अजीता ने किया। समारोह के दौरान आयुर्वेद पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा शंकर मल, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, विश्वविद्यालय में मेडिकल कोर्सेज के डीन डॉक्टर सुनील सिंह, दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर GP सिंह, डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर AP मल, डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर धर्मपाल भट्ट आदि की सहभागिता रही। धन्वंतरि व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति साक्षी सिंह, दीक्षा मम्पी, प्रिंस गुप्ता, शानवी राय व निधि ने तथा वंदे मातरम की प्रस्तुति आशमा खातून, ईश्वर, प्रेरणा व स्वाति ने की। मन संचालन आशीष चौधरी व सांभवी शुक्ला ने किया। आयुर्वेद एवं धन्वंतरि पर्व के अंतर्गत शनिवार को धन्वंतरि जयंती पर गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में विधि विधान से धन्वंतरि पूजन यज्ञ किया गया। पूजन व यज्ञ का कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी ने सम्पन्न कराया। पूजन में कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, आचार्य साध्वी नंदन पांडे, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी व सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय में वृहद स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 412 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिला। आयोजन में डॉक्टर पूजा तिवारी, डॉक्टर आदित्य नारायण उपाध्याय, डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा, डॉक्टर अर्चित मिश्रा, डॉक्टर हरिवंश सिंह, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर GK मिश्रा प्रबंधक आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ व विद्यार्थियों का सहयोग रहा।